Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in coming to question number 4, exercise 6.1. So, in this question we have observe the following pattern and find the missing digits. So, यहाँ पे आपको एक pattern given है, आपको इसे समझना है कि इस pattern में क्या हो रहा है and then जहाँ पे missing blanks है वो हमें fill out करने हैं. The first one is 11 square equals to 121. Next, 101 square equals to 10201. Next, 1001 square equals to 1002001. ठीक है? So, अब इसमें हमें fourth और fifth fill करने हैं. अब देखते हैं इसमें pattern क्या चल रहा है. जब दो one थे, तो one आया, two, फिर one. Means two बीच में, one दोनों sides में. जब 101 हो गया, तो one, zero, फिर two, फिर zero, फिर one. मतलब बीच में एक zero है. तो 2 की दोनों साइड 1 1 0 फिर 1001 में 1002001 मींस 2 की इस साइड भी दो जीरो उस साइड भी दो जीरो राइट सेम अब वो चीज है 10000 कितनी जीरोस है 4 सो मींस 1 के बाद 1 2 3 4 0 फिर 2 आ गया एंड 1 2 3 4 चार जीरोस उसके बाद 1 है अगेन वही हो गया 2 की इस साइड भी 4 0 2 के उस साइड भी 4 0 नेक्स्ट है 1000001 स्क्वायर सो जीरोस कितनी है यहां पे 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 के बाद 6 जीरो आएंगी सो 1 2 3 4 5 6 अब जितनी जीरोस होती है वो जीरोस आने के बाद क्या आता है नंबर 2 सो मींस यहां पे 2 आएगा और फिर 2 के बाद जितनी जीरोस पहले उतनी ही बाद में सो 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में 1 सो बेसिकली हमने क्या किया इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया देखा इसमें कि क्या-क्या कर रहे हैं हर उसमें क्या यहां पे चेंज हो रहा है तो क्या यहां पे इफेक्ट पड़ा वैसे ही हमने ये दोनों पार्ट्स करें ओके सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन